नमस्कार, मेरा नाम मिथिलेश है और आप मुझे इसमें गांव कनेक्शन टीवी पे देख रहे हैं। उत्तर बिहार के 12 जिले भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। बहुत सारी तस्वीरें आपने इंटरनेट पे देखा होगा, वीडियो में तबाही का मंजर देखा होगा। बहुत सारी तस्वीरों में आपने ऐसा भी देखा होगा कि कुछ युवा हैं जो पीली टी शर्ट में बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। ये युवा कौन है, हम उनसे मिले। ये जो युवा है मिथिला स्टूडेंट यूनियन एक संगठन है, उनके लोग हैं। इनके लोग देश के कई राज्यों में रहते हैं, वहाँ से वो बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेज रहे हैं और यहाँ के जो लोग हैं वे बाढ़ पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुँचा रहे हैं। हमने उनसे बात भी की और जानने की कोशिश भी की कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्यों उनको ये करने की जरूरत पड़ी। हमारी टीम हर जगह पे कोशिश कर रही है, सूखा सामान है जैसे उन सब जगहों पे जहाँ पे भारी काफ़ी जाना पॉसिबल नहीं है, जो कि जहाँ तक छाती तक पानी है, वहाँ पे हमारे लड़कों की टीम सूखा सामान जैसे कि चूड़ा, गुड़, दाल बूट, बिस्किट वगैरह इन सब को लेके जा रही है। जहाँ तक कमर भर पानी है वहाँ पे हम लोगों के लिए कुछ पैकेज फूड आइटम्स में जो हमें सहयोग में मिल रहा है, या हमारे लड़के और जो भी बाकी लोग बना के दे रहे हैं, रोटी, सब्जी, पूरी, भुजिया, वो पहुँचाने का काम कर रहे हैं। स्थिति ऐसा है कि पता नहीं लग रहा है कि कौन बह गया, कौन है, ऐसा कुछ नहीं है। मकान ध्वस्त हो गया है, सामान तो कुछ है ही नहीं घर में, ना खाने पे दिख, ना पहनने के लिए, ना रहने के लिए कुछ सामान दिख रहा है। और जो नया भी मकान बना उसका भी मिट्टी बह गया है, आदमी बह गया, अभी कुछ मिल नहीं रहा है। ये जो है आपको 14 तारीख को रात में हुआ ये घटना, और 11:30 बजे रात की ये घटना है कि कमला नदी का पश्चिम साइड का जो तटबंध है, जो कमला में काफ़ी ज़्यादा पानी आने की वजह से टूट गया, और कहीं ये एक प्रशासनिक भी कोई पहल नहीं किया गया जिसके कारण से ये बांध टूटा है और काफ़ी ज़्यादा जान माल की क्षति हुई है। लगभग अभी तक में 40 से 50 आदमी के बीच इस गाँव के लापता हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं है। आपने देखा होगा कहीं यहाँ पे कम्युनिटी किचन सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा नहीं चल रहा, लेकिन ऑन पेपर होगा। तो यहाँ के लोग आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और हमारी टीम ऐसे कोऑर्डिनेटर्स है एक आम जनता और पीड़ित जनता के बीच में। मिथिला स्टूडेंट यूनियन है जो क्षेत्र और छात्र के लिए काम करते हैं, वो हर समस्या में अपना कोऑर्डिनेट करते हैं और टीम बाय टीम काम करते हैं। कुछ टीम का काम होता है जैसे जिस एरिया में नहीं बाढ़ हुआ वहाँ से दुकानदारों से और परिवारों से और जनता से मांग कर, और जहाँ समस्या है वहाँ बांटने का काम करते हैं।